नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। आज आपके लिए क्लास 11th की चैप्टर नंबर 5 यहाँ पे करवाया जा रहा है। ऑलमोस्ट आपका 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो गया था जहाँ तक मुझे लगता है, और जहाँ तक मैंने करवाया था आपने देखा भी होगा। अब आता है भैया चैप्टर नंबर 5। चैप्टर का नाम है भैया काउंटिंग इक्वेशन। जब भी हम किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने से पहले उसका मतलब पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अधिकतर लोगों को मतलब नहीं पता होता, सीधा क्वेश्चन करने लग जाते हैं, जो कि गलत है। जब तक आपको उसका मतलब पता नहीं तो कुछ भी नहीं है। जहां मतलब पता हो गया उसके आगे तो भैया यूं बच्चा है, यूं खत्म, क्लियर। एक ही बारे में खटाखट सारे क्वेश्चन खत्म। तो सबसे पहले ये समझो कि अकाउंटिंग इक्वेशन होती क्या है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, ये दिखाती है। यहां हमें क्या दिखाना होगा, यहां पे हमें एसेट्स को लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर दिखाना है, और जो कि होता भी है रियल में। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। अगर नहीं है तो क्वेश्चन गलत, अगर दोनों इक्वल है तो क्वेश्चन सही होता हुआ चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ते हैं हम इसकी डेफिनेशन होती क्या है एक्चुअल में। देखो यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंटिंग इक्वेशन हेडिंग है और इसकी डेफिनेशन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एन अकाउंटिंग इक्वेशन इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को वो एक्सप्रेस करता है, यानी कि दिखाते हैं कि किस चीज को प्लस करना है और किसको माइनस करना है। वो तो इक्वेशन को देख के पता लगेगा किसको प्लस करना है और किसको माइनस करना है, क्या चीज आ रही है तो प्लस करेंगे कि अगर कोई चीज जा रही है तो उसे माइनस कर देंगे, इस चीज को दिखाता है। और दूसरी बात क्या है कि विच शोज दैट द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ अ फर्म, यानी कि एसेट्स और लाइबिलिटीज को शो करता है, दोनों को इक्वल दिखाना होता है इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन में। इज बेस्ड ऑन ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। ये आपको पहले भी मैंने बताया था, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब क्या होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट का मतलब होता है हर किसी का कम से कम दो जगह फर्क पड़ता है। दो जगह मतलब कैसे, एक जगह डेबिट और दूसरा क्रेडिट। ये पीछे आपने पढ़ा भी होगा सेकंड चैप्टर में ड्यूअल एस्पेक्ट में, डेबिट और क्रेडिट के बारे में। तो वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें करते क्या है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट दूसरा क्रेडिट, ठीक है। और हमको दिखाना क्या है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जितनी भी इक्वेशन पूछी जाएंगी क्वेश्चन में, चाहे वो कोई भी इक्वेशन हो, हमें सिर्फ यही प्रूफ करना है कि एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये होना चाहिए, ठीक है, जो कि होता भी है। क्वेश्चन अगर गलत कब होगा, जब ये चीज दोनों इक्वल नहीं होगी। एसेट्स को अगर आप लाइबिलिटीज के बराबर नहीं दिखाओगे तो वह गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है और फॉर्मेट क्या होता है वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉर्मेट है अकाउंटिंग इक्वेशन का कि सबसे यहाँ पे सीरियल नंबर, यहाँ पे देखेंगे कितनी ट्रांजेक्शन है उसका नंबर आ जाएगा। एक ट्रांजेक्शन है तो एक ट्रांजेक्शन, पांच ट्रांजेक्शन है तो 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके ऐसे नंबर, यानी कि सीरियल नंबर ले देंगे। दूसरा ट्रांजेक्शन का मतलब होता है यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है, जो भी ट्रांजेक्शन होगी उसका नाम लिखेंगे कि हमने ये ट्रांजेक्शन करी है, ठीक है। और एसेट्स में वो सारी एसेट्स लिखेंगे जो एसेट्स के अंदर चीजें आती है, ठीक है जी। लाइब्रेरीज में सबको पता है लाइब्रेरीज में क्या क्या चीजें होती है, जैसे क्रेडिटर्स अलग से दिया होता है वो आ जाएगा, या तो किसी का नाम आ जाएगा, वो क्वेश्चन में गिवन होता है। दूसरा कैपिटल, ठीक, इस फॉर्म में हमने चलना है और हर इक्वेशन को रीड करना है, समझ के पूरा यहाँ पे बताना कि क्या चीज प्लस होगी, कहाँ पे इसको प्लस करना है, कहाँ पे माइनस करना है, और दोनों चीजें इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं फर्स्ट नंबर पे लिख देता हूं, इधर मैंने एग्जाम्पल लिखे कुछ, ये टोटल मैंने 6 एग्जाम्पल है, ठीक है, 6 यहाँ पे इक्वेशन है। और आपको देखो क्या करना है, पहली जो इक्वेशन है उसमें क्या करना है सुनना। इसने बोला राम ने स्टार्ट किया बिजनेस विद ₹20,000 एज कैपिटल, यानी कि आपको पहली इक्वेशन क्या दी हुई है, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस। तो यहां पे बताना पड़ेगा आपको क्या हुआ, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, राम ने स्टार्ट किया बिजनेस, पूरा लिखना पड़ेगा कि क्या क्या किया था उसने, कैपिटल लगाई थी। अब एक बात बताना, जब मैं कोई बंदा स्टार्ट करता है बिजनेस स्टार्ट करेगा तो कैपिटल लगाएगा, तो कैपिटल की वैल्यू भी बढ़ गई और साथ ही साथ कैश की भी वैल्यू बढ़ गई। तो मैं क्या करूंगा, दो जगह फर्क पड़ता है ना, मैंने कहा था यहां पे देखो लिखा भी हुआ है कम से कम दो जगह, दो एस्पेक्ट, ठीक है, ड्यूअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बताया भी हुआ है। देखो एक तो कैश कितना अमाउंट बोला हुआ है, 20,000 रुपीज, तो 20,000 रुपए यहां पर बढ़ गए। फर्नीचर की तो कुछ बात ही नहीं हुई, इसको जीरो कर दो, इधर भी जीरो, इधर भी जीरो। अब बात आती है इसकी लाइबिलिटीज में क्या हुआ, लाइबिलिटीज में क्रेडिटर का तो कुछ हुआ ही नहीं, क्रेडिटर्स को तो ऐसे ही रहने दो। क्रेडिटर्स का मतलब क्या,
जो हम उधार में सामान खरीदते हैं ना उनको हमें पैसा देना होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स। कैपिटल में क्या हुआ थी? कैपिटल में बता दो क्या होगा, ये थी कैपिटल, कितना पैसा लगाया? 20,000, तो 20,000 रुपए यहां पे बढ़ गए, यहां तो कुछ हुआ ही नहीं। अब ये तो हुई कौन सी? पहली। अब आती दूसरी इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या कहती है? कहती है परचेज फर्नीचर फॉर ₹1,000, ठीक है, कैश में खरीदा। तो यहां पे मैंने पहले लिखना पड़ेगा कि भाई हमने क्या कर रहे हैं हम लोग, यहां पे बताना पड़ेगा कि हुआ क्या एक्चुअल में। परचेज किया फर्नीचर रुपीज कितने का जी? 1000 का। अब अगर आप फर्नीचर खरीदोगे तो आपके पास फर्नीचर आएगा, इसका मतलब फर्नीचर की वैल्यू बढ़ जाएगी। पहली बात, जब फर्नीचर खरीदोगे तो कैश चले गया, तो कैश की वैल्यू कम हो गई, खत्म। यानी कि फर्नीचर बढ़ गया और कैश की वैल्यू खत्म। 1000 रुपए का खरीदा था, 1000 रुपए का यहां पे क्या हो गया? माइनस। माइनस का मतलब ब्रैकेट में लगा लो, ठीक है। अब ये फर्नीचर की वैल्यू यहां बढ़ गई क्योंकि फर्नीचर खरीदा है ना, स्टॉक का तो कोई मतलब नहीं बनता, यहां भी कोई मतलब नहीं बनता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। जब दो इक्वेशन आप दिखाते हो फिर आप करते हो इसका टोटल, फिर इसको आप टोटल करते हो, टोटल करके देखते हो कैश की टोटलिंग कितनी आ रही है। 20 में से 1000 माइनस कर दिया, ये आ गया 19,000। फर्नीचर की कितनी आ रही थी? ये आ रही भैया 1000। ये तो जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो, और ये 20,000। ये न्यू इक्वेशन निकल के आ गई, ये न्यू इक्वेशन निकल के आ गई। ये निकल के क्या आई? अब तुम यहीं पे चेक कर सकते हो, क्या एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है? हाँ है बिल्कुल। यहां पे 19, ये 19 है, ये 1000 है, ठीक है, और ये आपका 20,000। तो दोनों क्या हो गए? एक तरीके से क्या हो गए? इक्वल। इक्वल का मतलब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन पूरा सही चल रहा है। अब आ जाओ अगले पॉइंट पे। अब यहां पे थर्ड पॉइंट आता है जी। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? परचेज गुड्स, गुड्स खरीदे हैं। जब भी हम कोई गुड्स खरीदते हैं तो क्या होगा? 500 रुपए के गुड्स खरीदे कैश में, यानी कि गुड्स की वैल्यू बढ़ गई, यानी कि हमारी जो एसेट्स है मतलब स्टॉक वो बढ़ गया और कैश हो गया कम। यही तो होगा, जब हम कोई चीज खरीदेंगे तो हमारे हाथ से पैसा चले जाएगा और जो चीज खरीद रहे उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बात खत्म। हमने क्या किया? परचेज करा गुड्स, गुड्स खरीदे भैया ₹4,500 के। अब यहां पे मैंने दिखा भी दिया कि हम क्या कर रहे हैं, परचेज करें गुड्स, ठीक है। ये लिख देना कि भाई हमने किया क्या, वो दिखाना होता है ट्रांजेक्शन के अंदर। यहां पे सारी ट्रांजेक्शन बताना होता है, कौन कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। जो गुड्स खरीदे वो ये रहे 500 रुपए के। अब देखो जब हम गुड्स खरीदेंगे कैश की वैल्यू कम हो जाएगी, तो 500 रुपए यहां से मैं क्या कर दूंगा? माइनस, यानी कि ब्रैकेट में लिख दूंगा। अब यहां फर्नीचर में तो कुछ हुआ नहीं ना, जीरो। स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई, क्यों? क्योंकि खरीदे थे हमने क्या? गुड्स। तो ये 500 रुपए यहां पर इसकी वैल्यू बढ़ गई, यहां जीरो, यहां भी जीरो, यहां जीरो। अब इसको फिर से आप टोटल कर दो, क्योंकि हर दो इक्वेशन के बाद टोटल कर दो, टोटल कर दोगे यहां पे, टोटल कर दोगे, टोटल करोगे। यहां पे देखो 19,000 में से 500 माइनस करोगे कितना आएगा? 18,500 प्लस ये 1000 का, तो 1000 ही रहेगा। अब ये 500, ये 0, 0, 20,000। अब तुम खुद मैच कर सकते हो, लाइबिलिटी वाली साइड 20,000 है, क्या एसेट्स वाली भी 20 है? ये है 18.5 पर 500 कितने हुए? 19,000। 19,000 और 1,000 20,000। इसका मतलब यहां तक हमारा क्वेश्चन पूरा सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोबारा से अगले पॉइंट पे चलते हैं। फोर्थ, चौथी इक्वेशन क्या कहती है? चौथी इक्वेशन कहती है परचेज करें गुड्स ₹4,200 ऑन क्रेडिट। अब इस पर ध्यान देना, जब भी हम कोई चीज उधार में खरीदते हैं तो देखो कोई भी चीज, चाहे कैश में खरीदो चाहे उधार में खरीदो, जो चीज आप खरीद रहे हो उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी बढ़ेगी, चाहे कैसे भी खरीद रहे हो। लेकिन जब आप उधार में खरीदते हो तो तुम्हारे क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपने उनको पैसा देना है, इसलिए क्या हो गए? क्रेडिटर्स बढ़ जाते हैं। यानी कि हमने क्या करा? परचेज करें गुड्स ऑन क्रेडिट में 2000 के। यहां लिख दूंगा परचेज करें गुड्स ऑन क्रेडिट। उधार में कोई चीज आप खरीदते हो ना, तो पहली बात जो चीज आप खरीद रहे हो
जो भी चीज आप खरीद रहे हो उस चीज की वैल्यू बढ़ा दो, गुड्स खरीदे जी। तो यहाँ पे कहीं गुड्स नजर आ रहे हैं, ये तो कैश है, इसको तो जीरो करो। यहाँ कहीं गुड्स है, ये तो फर्नीचर है, जीरो करो। यहाँ स्टॉक, स्टॉक को ही गुड्स बोलते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है। कितने के खरीदे भाई? 2000 के। तो 2000 रुपए की यहाँ पे वैल्यू बढ़ा दी, यहाँ तो जीरो, इसका तो कोई मतलब ही नहीं डेटर्स का। अब आ जाओ क्रेडिटर्स में, उधार में गुड्स खरीदे हैं तो उधार में गुड्स खरीदोगे तो क्रेडिटर्स की वैल्यू तो बढ़ जाएगी ना, आपको पैसा देना पड़ेगा इन फ्यूचर 2000 रुपए और प्लस 20,000 यहाँ पे, सेम वही रहेगा। फिर इसकी टोटलिंग कर दोगे, टोटल करोगे यहाँ पे, नई इक्वेशन फिर बन के आएगी कोई, ये 18,500, ये 1,000 और ये आ गया 7,000, 2,500, ठीक है। ये 500 है प्लस 2,000, कितना हो गया 2,500, यहां पे आ गया 2,000 और यहां आ गया 20,000 और 20,000 का 20,000 ही रह गए, तो इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा। ये कितना आ गया? 20,000, ठीक है, क्योंकि 20,000 तो था ही, तो 20 आएगा तो 20,000 ही रहेगा, कोई चेंज थोड़ी होगा, इसलिए यहाँ पे जीरो करके यहाँ पे कितना हो गया टोटल 20,000, ठीक है। सिर्फ यहीं पे चेंज आएगा, यहीं पे क्यों चेंज आएगा? क्योंकि उधार में हमने गुड्स खरीदे हैं, उधार में खरीदते हैं तो गुड्स की वैल्यू बढ़ती है और क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ती है और सारी जगह नील आ जाएगा, नील नील मतलब 0,0,0, जब ऐड करेंगे तो जो वैल्यू है वही निकल के आ जाएगी। अभी भी दोबारा चेक कर सकते हो, अगर क्वेश्चन गलत है तो यहीं पता लग जाएगा। 18,500 में 500 प्लस किया 19,000, 20, 21, 22,000 और ये 20 और 22 कितने 22 हो गए टोटल, ये भी 22,000, ये भी 22,000, यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन हमारा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखो, ये अगला पॉइंट देखो, बहुत अच्छा पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट। जब भी हम कोई चीज पे करते हैं, जब भी हम कोई चीज पे करते हैं, कोई खर्चा पे कर रहे हैं, जैसे इसने बोला पेड कर रहे हैं जी रेंट कितना 1,000 रुपए, पेड कर रहे हैं जी सैलरी 5,000 रुपए, पेड कर रहे हैं जी इलेक्ट्रिसिटी बिल, कुछ भी पे कर रहे हो, ठीक है, तो उसका क्या फर्क पड़ता है? जब भी हम कोई चीज पे करते तो हमारे हाथ से क्या गया? कैश, क्योंकि हमने पेमेंट कर रहे हैं, कैश तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो पहले तो यहां पे लिख लो कि हमने क्या क्या किया। हमने पेड किया एक तो रेंट और एक सैलरी, ठीक है, दो चीज पे करिए, एक तो रेंट और एक सैलरी। जो भी चीज आप पे करोगे, एक तो देखो कैश गया, कितनी पे करी जी 1,000 रुपए इधर, 5,000 रुपए इधर, टोटल कितने हो गए? अब क्योंकि अलग अलग तो दिखाऊंगा नहीं, दोनों को ऐड करके दिखा देता हूँ, 6,000 यहां से माइनस हो गए, यहां तो कुछ नहीं होगा, यहां भी कुछ नहीं, यहां का भी कोई मतलब नहीं बनता, इधर भी कोई मतलब नहीं बनता। अब यहां पे देखो क्या होगा, 6,000 रुपए कैश गया। अगर हम कोई खर्चा पे करते तो हमारी कैपिटल की वैल्यू भी तो कम हो जाएगी, तो कैपिटल में से 6,000 रुपीज माइनस कर देंगे, ठीक है जी। अब इसकी आप टोटलिंग करोगे, खुद ही पता लग रहा है आपको टोटलिंग करने की जरूरत ही क्या है। टोटलिंग करोगे, यहाँ भी 6,000 माइनस कर रहे हो, यहाँ भी 6,000 माइनस कर रहे हो, आना तो आंसर सेम ही है, यानी कि एसेट्स और इज इक्वल टू लाइबिलिटीज, दोनों चीज प्लस ही है, इक्वल ही है, लाइबिलिटीज में प्लस कैपिटल करा हुआ। देखो पहले तो आप माइनस करो 18,000 में से, 18,500 में से 6,000, ये कितना आ गया? ये 12,500 आ गया, ठीक है। अब यहां पे कितना रह गया? ये 1,000 रह गया, ये कितना रह गया? 2,500 और ये जीरो और ये कितना है? 2,000, ठीक है, और ये कितना है आपका? 20,000 में से 6,000 उड़ा दो, यानी कि माइनस कर दो, 20,000 में से 6,000 उड़ाऊंगा तो कितने बचेंगे? 14,000। अब देखो यहां पे कितना है जी? 12,500 और ऐड करो 13,000, 14, 15, 16, ये भी 16,000 है और ये भी 16,000 है, यानी कि क्वेश्चन अभी तक पूरा सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक नोट कर लो, कोई दिक्कत आए तो पूछ लेना, क्योंकि इसके नीचे जगह नहीं है तो मैं रफ करूंगा थोड़े से। एक और रह गई है इक्वेशन, वो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। एक इक्वेशन का मैं तुम्हें हल्का सा फर्क बताता हूँ, क्या फर्क पड़ता है। मान लो मैं इसी के बीच में वो इक्वेशन डालता हूँ, ठीक है, इसी के बीच में इक्वेशन आ रही है, उसमें देखना सिक्स नंबर पे है। पहले इसकी टोटलिंग करो वापसी से, ये तो आ गया 18,500,
और ये हो गया 1,000, और ये हो गया आपका 2,500, ये 0, ये 2,000, और ये हो गया आपका 20,000। अब ध्यान से सुनना, वो जो लास्ट वाली है इक्वेशन वो थोड़ी अटपटी सी है, समझने में दिक्कत आती है हर बच्चे के, लेकिन अगर समझोगे तो आराम से समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ध्यान से समझना उसे क्या बोला जा रहा है, सुनना उसको। वो कह रहा है कि भाई सोल्ड करे गुड्स कॉस्टिंग थे 2,500 की, वो बेच दिए उधार में ऑन क्रेडिट फॉर ₹4,000। जब भी हम कोई चीज उधार में बेच लेते हैं, जब भी हम कोई चीज उधार में बेचते हैं तो यहाँ पे डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, कि यानी कि आपको अब पैसा रिसीव होगा इन फ्यूचर, क्योंकि आपने उधार में सामान किसी को बेचा है, तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ जाती है, ऑब्वियस बात है। तो सबसे पहले मैं अगर लिख देता हूँ कि सोल्ड करे, यानी बता देता हूँ कि मैं कर क्या रहा हूं, गुड्स ऑन क्रेडिट कॉस्टिंग कितनी थी 2,500, और कितने की अब करें सेल, हमने सोल्ड करें जी 4,000 रुपीज के। अब सुनना ध्यान से, अब जब हम कोई चीज बेचेंगे, कोई भी चीज बेचेंगे तो उसकी वैल्यू तो खत्म, वो तो चलेगी ना हमारे हाथ से, हमने बेच दिया, हमने क्या बेचे सोल्ड गुड्स, यानी कि स्टॉक की वैल्यू खत्म हो जाएगी एक तरीके से। कॉस्ट थी 2,500 की, यानी कि 2,500 की जो कॉस्ट थी स्टॉक की, यहाँ तो कोई मतलब नहीं है, कैश का कोई मतलब नहीं, दूसरा फर्नीचर का कोई मतलब नहीं, बात हो रही है स्टॉक की, तो जब बात हो रही है स्टॉक की तो स्टॉक की तो वैल्यू गई, ठीक है। या तो इसे ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हो या माइनस करके लिख सकते हो, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो। देखो ये प्लस जीरो हो गया, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ये स्टॉक है ना, माइनस करना है ना इसको, कैसे करोगे माइनस, कितना बोल रहा है 2,500 की इसकी वैल्यू थी, वो कह रहा कि ये चीज हमने बेच दी, अब ये जो बेची है उधार में बेची है तो डेटर्स की वैल्यू पड़ जाएगी, कितने की बेच दी 4,000 की, तो यहाँ पे 4,000 हमें इन फ्यूचर रिसीव होंगे क्योंकि डेटर्स की वैल्यू पड़ गई। अब दूसरी बात क्या, जब हम कोई चीज अपने हमारे पास उसकी कॉस्ट थी 2,500 की, वो बेच दी 4,000 की, हमारे पास उसकी कॉस्ट कितनी थी जो हमने ली थी, वो ली थी 2,500 की, और हमने बेच दिया उसे 4,000 का, तो कितने का फायदा हो गया, फायदा ही तो होगा, कोई नुकसान तो हो नहीं रहा। पर प्रॉफिट को हमेशा याद रखना कैपिटल में ऐड होता है, और लॉस हमेशा कैपिटल में से उड़ा देते हैं, यानी कि माइनस हो जाता है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, 2,500 है 4,000 है, दोनों के बीच का गैप देख सकते हो कितना है, यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो जाएगा 1,500 का प्रॉफिट हो जाएगा। फिर यहाँ पे टोटल करोगे फिर नई इक्वेशन निकल के आ जाएगी, टोटल जब करोगे, जब फाइनल टोटल करते हो तो दो बार क्लोज कर देना, जैसे यहाँ पे बात मान लो मैं कोई टोटलिंग कर रहा हूँ, और टोटल करने के बाद यहाँ पे दो बार लाइन ऐसे ड्रॉ करनी होती, ताकि हम अकाउंट पता लगे कि हाँ इक्वेशन को क्लोज कर रहे हैं, हमारी सारी की सारी इक्वेशन खत्म हो चुकी है। ये 18,500 है, इसको तो सिंपल लिख दो सही भी, कोई फर्क नहीं है इसमें, ये 1,000 है, कोई फर्क नहीं है, ये तो कैंसिल ही हो गया, तो जीरो, ये आपका कितना आ गया 4,000, क्योंकि 4,000 के उधार में बेच दिए थे इसलिए 4,000 रुपये इसकी वैल्यू बढ़ गई डेटर्स की, क्योंकि इन फ्यूचर में पैसा रिसीव होगा। ये आ गया जी 2,000, और ये कितना आ गया 21,500, ठीक है। देखो 18, 19, 19, और ये कितना हो गया 20, 21, 22, 23, 500, सेम वही जो यहाँ पे 23,500, यानी कि हमने जितनी भी इक्वेशन करी सारी की सारी करेक्ट थी। कैसे पता लगा, इससे पता लगा, क्योंकि हम ये रूल अपनाते हुए चल रहे हैं भैया, एसेट्स जितनी भी है वो लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के बराबर होनी चाहिए, बस बात खत्म, चाहे हम कोई भी इक्वेशन करें, अगर वो इक्वल आ रही है तो वो आंसर भी ठीक है, कोई गलत नहीं कर सकता, कोई भी गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये कुछ इससे इसके छोटे छोटे एग्जाम्पल थे, फिर इसके बाद जो पार्ट टू होगा, फिलहाल तो अभी पार्ट वन कराया मैंने आपको, पार्ट टू में आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, कोई भी दिक्कत आए कमेंट कर सकते हैं, हमारे चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर जगह वीडियो पहुंचे और बच्चे आसानी से घर बैठे बैठे पढ़ें मजे से, और यूं करें यूं हवा में, कहीं भी दिक्कत आए पूछ लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। मानिए।